मुझे बहुत तकलीफ है, दुख है, बहुत बड़ा हादसा है ये, बहुत दुख की बात है। दिल्ली में हाहाकार, यकीनन दिल्ली आज झुलस सी गई। दिल्ली के फिल्मी स्थान की अनाज मंडी में लगी आग में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 60 से ज्यादा लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों का LNGP, RML, लेडी हारिंग और सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज जारी है। दिल्ली के अरविंद CM अरविंद केजरीवाल, इमरान हुसैन, मनोज तिवारी, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने LNGP अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना। इससे पहले घटनास्थल पर भी उन्होंने जायजा लिया। दिल्ली सरकार ने हादसे में मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपयों की मदद दी जाएगी। वहीं घायलों का इलाज मुफ्त में कराने के निर्देश भी दिए। CM केजरीवाल ने हादसे की मैजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश भी जारी किए। उधर BJP ने भी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। BJP सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मृतकों के परिवार वालों को पार्टी की ओर से 5-5 लाख रुपए और घायलों को 25-25 हजार रुपयों का मुआवजा दिया जाएगा। PM मोदी ने भी ट्वीट कर मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बड़े दुख की बात है, मैंने वहां भी बताया कि जो हादसा हुआ है और लगभग 43 लोगों की डेथ हो गई है और 15-16 के करीब इंजर्ड हैं जो कि इस अस्पताल में और लेडी हार्डिंग में एडमिट हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो इंजर्ड हैं उनको किसी भी तरह से बचाया जाए और सरकार ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और जितने भी लोगों की मौत हुई है उनको सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी और 1-1 लाख रुपए इंजर्ड को मुआवजा देगी और इंजर्ड को जो भी इनका वो है इलाज सारा सरकार कराएगी। जो अभी तक कारणों का पता चल रहा है, शॉर्ट सर्किट है और एक बिल्डिंग के एक चौथे फ्लोर पे मैक्सिमम जो लोग वहाँ पे रात को सोए हुए थे, आग लगने के बाद कुछ जलने से और कुछ लोगों की सफोकेशन से कैजुअल्टी हुई है। ये बहुत दुखद घड़ी है, शब्द नहीं मिल रहे हैं क्या कहा जा सकता है। जो कैजुअल्टी हुई है हम उस परिवारों के साथ खड़े हैं और उन परिवारों को हम पार्टी के तरफ से भी 5-5 लाख रुपए की सहायता त्वरित करेंगे और घायलों को 25-25 हजार रुपए की देंगे पार्टी के तरफ से। अभी उनको सहायता करने का समय है, बाकी 37 के बाद जो भी आएगा वो हम आपसे सामने रखेंगे। मेरा क्षेत्र है, मुझे बहुत तकलीफ है, दुख है, 40 से ज़्यादा जाने गई हैं। हमें बड़ा संजीदगी से इस पर रिएक्शन देना चाहिए। ये ब्लेम गेम तो बाद में भी कर सकते हैं। कई बार उस इलाके से सांसद रहे हैं, पूरा इलाका आप जानते हैं उसको, आप भी जानते हैं कई फैक्ट्रियां वहाँ ऐसे चलती हैं, NOC नहीं ली गई थी, अभी खबर ये आ रही है फायर डिपार्टमेंट की, कितनी बड़ी लापरवाही। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, मुझे मालूम नहीं पूरे फैक्ट्स क्या हैं, लेकिन हमें तकलीफ है कि इतनी जाने गई हैं। लापरवाही बहुत बड़ी है, लापरवाही बहुत बड़ी है और ये सबको संजीदगी से इस मसले को हल करना चाहिए। कहना कि जब इतने लोगों की जान जाती है तो मैंने ये सुना है कि जी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब वहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, अगर फैक्ट्रीज इन जगहों पर चलती है तो उसमें फायर की परमिशन की ज़रूरत होती है, तो अगर वहाँ पर फायर के लिए NOC नहीं मिला तो किसी ना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे याद है कि कुछ महीनों पहले एक होटल में भी आग लगी थी और मेरे घर के वो बहुत पास ही है, उस टाइम पे भी जांच के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी एक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता और ना मैं उस राजनीति के चक्कर में पड़ना चाहता हूँ कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती, लेकिन ज़रूर एक जांच होनी चाहिए और ये देखना बहुत ज़रूरी है, किसी ना किसी को जिम्मेदारी उठानी बहुत ज़रूरी। जब आप फैक्ट्रीज या जब होटल्स में होते हो तो आपको फायर की NOC चाहिए और अगर इन फैक्ट्रीज में या इन होटल्स में फायर की NOC नहीं है तो ये किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। सिर्फ जाँच के साथ आई थिंक इस चीज़ को आप नहीं दबा सकते। देखिए अंदर जो है शटर बंद था और सेकंड फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट हुआ, अंदर लगभग 60-70 लोग थे और उसमें से 59 लोग हॉस्पिटलाइज हुए, 43 डेड डिक्लेयर्ड हैं और 16 लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इस पर
मैं यही कहूंगा कि तुरंत कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है कि दिल्ली में ऐसी घटनाओं की अंदर जो है पूरा बिल्डिंग, जो दो बिल्डिंग है जो अफेक्ट हुई है, और उन दो बिल्डिंग में 70 लोग जो है वो सो रहे थे और शटर बंद था और अंदर से लॉक था। आज सुबह जो रानी झांसी रोड पर बली मरान के अनाज मंडी में जो घटना हुई वो अफसोसनायक और दर्दनायक है। लगभग जो मेरी जानकारी है अब तक कोई 47 लोग उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 56 लोग ऐसे हैं जो सीरियसली इंजर्ड हैं, जिनकी अभी चिंता हो रही है। परंतु जहाँ ये घटना अफसोसनाक और दर्दनाक है वहाँ पर ये चिंता का विषय भी है कि जो सरकार को वहाँ करना चाहिए, अगर आप वहाँ अगर जाएं तो जिस प्रकार की बिजली की तारें ऊपर से लटकती झूलती हैं और ऐसा लगता है हम बिजली के तारों के जाल में आ गए हैं, और जिस प्रकार का वो छोटी छोटी गलियों में, तंग गलियों में जिस प्रकार वो फैक्ट्री चलती हैं और वहीं पे वो मजदूर अपना काम भी करते हैं, वहीं अपनी फैक्ट्री भी चला वहाँ सोते वहीं रहते हैं, रिहायश भी उनकी वहीं है, तो दिल्ली सरकार को उसकी चिंता करनी चाहिए कि हम किस प्रकार पुरानी दिल्ली को जाएं, ऐसे और जो क्षेत्र हैं दिल्ली के अंदर पुरानी दिल्ली के अलावा भी उनको डीकंजस्ट करें, इंश्योर करें कि उनको दूसरी ऑप्शंस दें, उनको अल्टरनेटिव ऑप्शंस दें, ताकि घटनाओं के द्वारा पुनर्वृत्ति ना हो सके। और अब आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि दिल्ली में ये आग लगी कैसे। तो दिल्ली में हाहाकार है, अनाज मंडी में दरअसल आग निकलने से 43 लोगों की मौत हुई है और कई लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी हैं, बहुत से अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सेंट्रल दिल्ली के फिल्मी स्थान के पास अनाज मंडी में यह आग लगी थी। आग का दायरा बढ़ता चला गया, हालांकि आग से नुकसान कम, धुएं से नुकसान ज्यादा हुआ। और वजह क्या रही? शॉर्ट सर्किट। सुबह सवेरे 5:22 पर यह शॉर्ट सर्किट हुआ और हादसे के वक्त आपको बता दें फैक्ट्री के अंदर 59 लोग सो रहे थे, ज्यादातर सोते सोते मौत के मुंह में चले गए। उपहार कांड के 22 साल बाद इतना बड़ा यह हादसा हुआ। उपहार कांड आपको याद होगा, जहां सिनेमा हॉल में फंसकर 59 लोगों ने जान गंवाई थी। सुबह 5:22 पर यह शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर धुएं का गुब्बार बढ़ता चला गया, ज्यादातर मौतें दम घुटने की वजह से ही हुई। तो स्कूल बैग और खिलौने बनाने की यह फैक्ट्री दिल्ली स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर थी, अवैध तरीके से चल रही थी। 4 मंजिला ये इमारत थी, फैक्ट्री थी जिसके अंदर, लेकिन दुविधा की बात यह है कि शटर अंदर से लॉक किया गया था। मृतकों में ज्यादातर मजदूर बिहार के रहने वाले हैं और मजदूर गरीब मजदूर हैं। मृतकों के घर वालों को फिलहाल उनके परिजनों को 10 लाख रुपए देगी मुआवजे के तौर पर दिल्ली सरकार। इसके अलावा बीजेपी ने भी पार्टी की ओर से 5 लाख रुपया मृतकों को देने का मुआवजा देने का ऐलान किया है। पीएम राहत कोष से 2 लाख का मुआवजा इन मृतकों के परिवार वालों को दिया जाएगा। तो अनाज मंडी में आज आग लगी सुबह सवेरे, और सुबह सवेरे ही यह भयानक खबर सुनने को मिली जिसमें दिन चढ़ते चढ़ते करीब 43 लोग मौत की आगोश में पहुंच चुके थे। सेंट्रल दिल्ली के फिल्मी स्थान के पास अनाज मंडी में यह आग लगी। 4 मंजिला ये इमारत, बताया ये जा रहा है कि करीब 600 गज में ये इमारत थी और सुबह सवेरे का वक्त था, सब कुछ शांत था, अंधेरा था, लोग सो रहे थे, तभी शॉर्ट सर्किट हुआ। चूंकि वहां पर प्लास्टिक का सामान बनता था, स्कूल बैग्स बनते थे, बहुत सा प्लास्टिक का सामान वहां पड़ा था, चिंगारी को सुलग कर उस प्लास्टिक के गोदाम में जाकर गिरी और फिर प्लास्टिक जलने लगा, और प्लास्टिक का धुआं ज्यादा जहरीला होता है